सर। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। ये दो चार लोगों की आवाज आती है बस गुड इवनिंग के टाइम, बाकी सब सो रहे हैं क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आपकी गुड इवनिंग सर। कुछ जो पूछे बैक बेंचर थे वो अब थोड़े से आगे आ गए हैं, है ना? चलो अच्छी बात है। चलो क्या न्यूज़ है नया ताजा? कोई न्यूज़ है तुम्हारे लोगों के पास? सर आप ही बता दो, आपके पास होती है सारी न्यूज़। नहीं नहीं मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कोई न्यूज है तुम्हारे पास? एनी न्यूज, एनीथिंग नया कुछ क्या चल रहा है मार्केट में? बिहार इलेक्शन चल रहा है। छुट्टी कब चल रही सर? कौन सी छुट्टी सर? दशहरे की छुट्टी। दशहरे की छुट्टी तो दशहरे वाले दिन ही है ना? तो वैसे भी संडे है उस दिन। हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ इस बार दशहरा की भी छुट्टी तुम्हारी खराब हो गई और दिवाली की भी खराब हो गई मेरे ख्याल से, बिकॉज दिवाली 14 नवंबर की है। ऐसी कुछ सैटरडे संडे मंडे कुछ ऐसी है ना सर? आईएसएफ में आता है सर, अगर नॉन वर्किंग डे पे अगर ये हॉलीडे आता है तो नेक्स्ट डे हॉलीडे होता है सर, तो मंडे नहीं होगा क्या सर? कहाँ पे होता है? कहाँ पे? आज पे होता है सर ऐसे सर, वो रेस्ट आर्स में जो फिल करते हैं। लूसी लूसी। अच्छा, भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दिवाली अगर 14 की है तो 15 वो क्लास होगी, बस एक दिन की छुट्टी सर। 15 को संडे। भाई तुम लेना चाहो कोई रोक थोड़ी रहा तुम्हारे को। सिंपल सी बात है। और अगर हमारा अटेंडेंस का क्राइटेरिया मैच नहीं होगा तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा। सीधी सी बात है, कंफ्यूजन कहाँ है? कितना है सर अटेंडेंस का क्राइटेरिया? बस 100% है। सर थोड़ा रिलैक्सेशन तो दो सर। तो मैं वही बता रहा हूँ ना भाई, छुट्टी लेके जाओगे भी कहाँ यार, ये बताओ। अभी तो घर ही बैठे हो कंप्लीटली एट होम। अब यहाँ पे अगर फिजिकल क्लास होती है तो सब घूमने जाते हैं यहाँ पे सर। चार गांव की होती है यूपी में सब ऊपर है। मैं समझ गया मिंटू, मैं ये मना नहीं कर रहा, बट हो तो घर पर ही ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज अभी तुम यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में कहीं बैठे हो, उसकी जगह अगर दिल्ली में आके एग्जाम दे रहे होते, क्लासेस कर रहे होते, तो घर पे घर यहाँ पे लिया होता तो गांव जाते तो मजा भी आता। अब तो घर पर ही हो तो छुट्टी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना छुट्टी का। ये मेरा कहने का मतलब है भाई, अगर दिवाली रात को है, रात को मान लिया 1 बजे भी सो गए, सुबह 9 बजे क्लास है, देखेंगे 1-2 घंटा ऊपर नीचे कर पाए तो आई डोंट नो। बड़ा मुश्किल है वैसे तो, क्योंकि ऑफिशियल शेड्यूल को चेंज करना बड़ा भारी है, बट यस। सर दिवाली के लिए संडे है सर। दिवाली कब की है? 14 की है ना दिवाली बेटा? हाँ सर 15 को संडे है ना फिर। सैटरडे को पड़ रही। हाँ तो फिर सैटरडे संडे दोनों छुट्टी मिल गई, बात ही खत्म हो गई। एंड ऑफ द स्टोरी। सर वो तो वैसे ही मिलती है सर, फ्राइडे को भी मिल जाए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वैसे ही मिलती है, लेकिन इसमें कोई बार्टर सिस्टम नहीं है कि आज बस छुट्टी होगी तो अगले दिन की छुट्टी कर देंगे ना, ऐसा ना है, ऐसा ना हो रहा भाई। हाँ फ्राइडे नाइट सर। सर भाई उसकी मिलेगी कि नहीं भैया? तो चलो फ्राइडे को हफ्ते रखवा देना। फ्राइडे की छुट्टी होती नहीं हमारे यहाँ पर। तो फिर छठ पूजा सर यूपी में होती है। गुरु नानक जयंती 30 तारीख। मेरी एक गुड सबसे रिक्वेस्ट गुड फ्राइडे। एक काम करना तुम। क्या काम करना? ये छुट्टी वाली जो बात है ना, सही सर आएंगे ना क्लास में, एक बार उनसे पूछना, हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट पे कुछ प्लस माइनस कर भी दें, है ना? ट्राई
सर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये तो सर आप तो वही कह रहा हूं, फाइनली क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली क्या कर रहा था, क्लास को एक्टिवेट कर रहा था। अब क्लास एक्टिवेट करने की कभी-कभी बड़ी जरूरी होती है कि दोपहर की क्लास में बंदे सोए होते हैं, तो मुझे उठाना जरूरी था, तो इसलिए मैंने कोई ऐसा टॉपिक छेड़ा जिससे थोड़ी क्लास एक्टिवेट हो जाए, है ना। सो दैट वाज द स्ट्रेटजी। अब कोई क्लास एक्टिवेट हो गई है, अब हम क्लास कर लेते हैं। अरे टॉयलेट बड़े स्टाइल में लिखा हुआ आपने। टाइम पास कोशिश करनी चाहिए, कुछ ना कुछ नया करते रहे, तो दैट वाज द आइडिया। चलो अब मेरा जो टॉपिक है वो है क्या समझ में आया? सर इसका मतलब कभी दिन नहीं हो रहा है, दिन के टाइम पे टॉयलेट ही है पूरा। ना 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 सर कभी रात नहीं हो रही, जैसे बॉडी सर्कम्पोलर होती है ना सर, उस टाइम पे मतलब एक स्पेसिफिक एंगल पे। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब शाम को सूरज डूबा, ट्वाइलाइट शुरू तो हुई लेकिन रात नहीं हुई। क्या मतलब है समझते हैं इस बात को। आज हमारी 19 अक्टूबर है, अगर कल शाम का थोड़ा सा मंजर याद करो, मंजर मतलब शुद्ध हिंदी का वर्ड है, सिनेरियो की बात करो, कल शाम का जो सिनेरियो था तकरीबन 6 बजे के आसपास, रफली शाम को 6 बजे अंधेरा होना शुरू हो गया था। क्या ये बात सही है? यस सर। अब जो 6 बजे अंधेरा होता है, होना शुरू होता है, और उसके बाद हल्की हल्की सी डार्कनेस बढ़नी शुरू होती है, क्या ये बात भी सही है? हाँ सर। तो दोपहर, सॉरी सॉरी बेटा, क्या कह रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैंने यस सर बोला था। अच्छा अच्छा ओके, क्या बोलता था भूल गया मैं। हाँ, अब वो जो शाम के वक्त जो अंधकार की डार्कनेस का कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट समझते हो? यस सर। बेटा सारे नहीं समझते, समझाना पड़ेगा मेरे को। कंट्रास्ट का मतलब हुआ, सॉरी ज्यादा मतलब काफी रात हो गई, ज्यादा डार्क ऐसा कुछ। हाँ बेसिकली वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम ये बात समझ सकते हैं, थोड़ी थोड़ा हमारे को अंदाजा है कि जब शाम को अंधकार होना शुरू होता है तो वो जो ब्लैकनेस की पिच है, ब्लैकनेस की का कंट्रास्ट है, वो थोड़ा हल्का होता है। बट जैसे जैसे रात गहराती जाती है, जिसको गहरी रात क्या बोलते हैं उसको यार, तो भी है, समझ गया ना। हाँ, वो जो 12 बजे वाली रात होती है उसका रंग और काला होता है, हाँ या ना? Yes, वो रंग और काला क्यों होना शुरू हो जाता है, या वो क्यों कंट्रास्ट बढ़ता रहता है? बिकॉज ये जो ट्वाइलाइट की लाइट है ये तो हमारे को छन कर छिटक कर मिल रही होती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से, फिर जब मिलनी बिल्कुल ही बंद हो जाती है उसके बाद अंधकार का बड़ी तेजी से अंधकार की डार्कनेस बढ़ती है, है ना। तो वो जो हल्की हल्की डार्कनेस है, वो अगर हल्की हल्की डार्कनेस का रंग चेंज ही ना हो, ज्यादा डार्कनेस में कन्वर्ट ही ना हो, और उसी हल्के हल्के रंग में ही सुबह हो जाए, सनराइज हो जाए, तो हम क्या ये नहीं कह सकते ट्वाइलाइट ऑल नाइट? अब बात यह है कि ये होगा कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। अब उस पॉसिबल के लिए एक मुझे बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो उससे पहले मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम बना करके इस बात को समझ ही लेते हैं कि कैसे होगा।
हाउ इट इज पॉसिबल. आप लोगों ने टॉपिक डाल लिया? यस सर. ओके let's say this is the celestial sphere, this is the earth, this is the equinoxial, and these are the north celestial pole and south celestial pole. For example, kya sab logo ko mera board dikhai de raha hai completely? किसी का बोर्ड कटा हुआ तो नहीं आ रहा? ठीक है सर, पूरा दिखाई दे रहा. ओके जी, मान लो एक ऑब्जर्वर मैं मान लेता हूँ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कुछ ऐसे. तो क्या इसका जेनिथ कुछ ऐसे होगा? अगर ये थीटा लैटिट्यूड पे है, अगर हम ऐसा कह दें दिस लैटिट्यूड इज इक्वल टू थीटा, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इसका रैशनल होराइजन होगा, क्या ये बात सही है? यस सर. ओके, तो अगर ये रैशनल होराइजन है तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 18 डिग्री के पीछे मैं एक ट्वाइलाइट की बेल्ट बना दूं? ये बात भी सही है, हाँ या ना? यस सर. यस सर. अगर ये बात सही है तो ये जहां पर ये मैंने बनाया हुआ है, ये जो एंगल है सेंटर पे, ये 18 डिग्री का होगा? यस सर. सही है कि नहीं? इसमें कोई डाउट? नो सर. अरे भाई. ओके, अब ये जो इक्विनॉक्शियल है, हमारी सारी डेक्लिनेशन नॉर्थ की ऐसे मेजर होती है और साउथ की डेक्लिनेशन ऐसे मेजर होती है, क्या ये बात भी सही है? यस सर. अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल द डेक्लिनेशन ऑफ सन इज दिस वैल्यू, सम दिस वैल्यू. तो अगर इसका 24 घंटे का मैं पाथ बनाऊं तो कुछ कुछ ऐसा बना सकता हूं क्या ये बात सही है? यस सर. मैंने ये बनाया क्या, कोई बताया मुझे ये ब्लैक क्वेश्चन क्या है? ये नाइट है, डार्कनेस होगा, ओवरहेड वाला ट्वाइलाइट का और दूसरा डेलाइट. बिल्कुल सही बात है. लॉजिकली क्या है, मैंने ये नाइट के पोर्शन को, जो पहले जब हम नॉर्मल बॉडी पढ़ा करते थे उसमें ये पूरा नाइट पोर्शन था, ये पूरा डे पोर्शन था, अब ये नाइट के ही पोर्शन को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, क्या ये बात सही है? जिसमें एक को मैंने प्योर नाइट कह दिया, एक को ट्वाइलाइट कह दिया. यस सर, बिल्कुल सही है. क्या हुआ बेटा? आगे बढ़ूं?
ये से बढ़ जाओ। ओके अब मान लेते हैं जिस दिन ऑब्जर्वर सॉरी डेक्लिनेशन ऑफ सन इसके बराबर होगी उस दिन सन कुछ ऐसा दिखाई देगा। हाँ या ना? यस सर। जब ऐसा दिखाई देगा ये जो पहले का नाइट पोर्शन था जिसको मैंने दो भागों में बांटा हुआ था, अब ये जो नाइट पोर्शन है जो टोटली कवर्ड बाय ट्वाइलाइट है, तो क्या ये ट्वाइलाइट ऑल नाइट की परिभाषा को संपूर्ण नहीं करता? करता है। सो ये वाला केस हो गया लिमिटिंग केस। दिस इज द लिमिटिंग केस ऑफ डेक्लिनेशन ऑफ सन। बट ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सारे भी वही केस है ट्वाइलाइट ऑन लाइट वाले। बट अगर डेक्लिनेशन ऑफ सन इतना होगा तो क्या हो जाएगा? ये नो ट्वाइलाइट सर्कम्पोलर। सर्कम्पोलर इसका मतलब जो कंडीशन हमारे को पूरी करनी है उसके लिए बॉडी इसके बीच में होनी चाहिए, इसके बीच में, है ना? आ रही बात समझ में? यस सर। सो अरे यार एक सेकेंड ना, मेरे पेन की इंक थोड़ी सी कम है, हल्की सी डाल लेता हूँ फिर थोड़ा आसानी होगी मुझे पढ़ाने के लिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। So, condition for twilight all night tan kya hai twilight all night pehli लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन सेम नेम है ना। अच्छा एक काम करो आप लोग, क्योंकि मैं अभी कुछ बताने वाला हूं, सब कुछ एक साथ बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये डायग्राम बनाओ इतना पहले, फर्स्ट मेक दिस डायग्राम इन द मीन टाइम, फिर मैं आई विल टेल यू व्हाट हाउ टू डू दिस डेरिवेशन। मैं सीधा फॉर्मल लिखा भी काम कर सकता हूँ, डायरेक्ट तुम्हारे कोर्स में नहीं, बट मैं नॉर्मली क्वेश्चन सिखा देता हूँ। तो एक बार डायग्राम बना लो ताकि वो जब मैं वो समझाऊंगा तो वो पॉइंट मिस आउट नहीं होगा।
सर। हाँ जी बेटा। सर एक बारी प्लीज ये समझा दो कि वो रेड वाली जो बीच में बनाई है, मतलब ब्लैक रेड फिर ब्लैक, हाँ इसमें क्या है बताया था। मैं ये कह रहा था बेटा, अगर सन की डेक्लिनेशन मान ले 10 डिग्री नॉर्थ होती, अगर फॉर एग्जांपल, तो इक्विनॉक्शियल से यही डिस्टेंस होता तकरीबन, हाँ या ना? हाँ जी सर। और हमारी अर्थ 24 घंटे घूमती है, लेकिन हम क्या मानते हैं, हम तो स्टेशनरी हैं, सूरज घूम रहा है आजू बाजू, हाँ या ना? यस सर। और जो सूरज घूमता है जैसा हमने माना है, उस हिसाब से दिन और रात बनते हैं, ये बात भी सही है? हाँ जी सर। तो उसका 24 घंटे का पाथ अगर मैं 10 डिग्री नॉर्थ पे ऐसे डिस्प्ले करूं, तो एक उसका प्योर नाइट टाइम बनेगा, एक ट्वाइलाइट टाइम बनेगा और एक डे टाइम बनेगा। हाँ जी सर। ये रेड और ब्लैक कैसे बनाया मैंने बता, क्योंकि 18 डिग्री की बेल्ट के हिसाब से बनाया ना। अच्छा बीच वाला ट्वाइलाइट टाइम है, ओके। और बाद वाला डे, हाँ रेड वाला जो है वो ट्वाइलाइट टाइम है, तभी वो रेड से बनाया ताकि समझ में आए बात। ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू सर। ओके जी। ये जितने भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इन सबके $100 फिक्स हो गए हैं, ठीक है ना? जब जहाज पे जाओगे कमाओगे तो $100 का एक कर्जा रहेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है? सर पेटीएम नंबर दे देना सर। ठीक है सर, ठीक है। भाई जब फेज वन करने आए तब दे दियो सर को। हाँ ये भी अच्छा बात है, ये भी, दिस इज आल्सो गुड आइडिया। बनाना बना लो फिर, मैं कुछ बनाऊं, दो मिनट और दे रहा हूं बस, 2 more minutes। हाँ जी हो गया सबका, हैव अ लुक नाउ। अब मुझे बताओ ये वाला ये जो लिमिटिंग केस था जिसका ये डेक्लिनेशन था,
अगर हम ये एंगल निकाल लें तो वो उसके बराबर होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। क्या ये बात सही है? यस सर। अगर ये बात सही है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये फुल एंगल 90 माइनस थीटा। करेक्ट। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये जो एंगल बच गया ये कितना होगा, अरे यार पेन नहीं चल रहा। -18। बिल्कुल सही। तो दिस इज 90 माइनस थीटा माइनस 18। क्या ये बात सही है? सब लोग चेक करो एक बारी। यस सर। सो दूसरा नंबर, डेक्लिनेशन शुड बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा माइनस 18। क्या ये बात सही है? अरे भाई कुछ तो कह दो। हाँ ना, आंसर सही है। तो ये तो लिमिटिंग केस हो गया, और इसके ऊपर वाले सारे वो आ गए डेक्लिनेशन ग्रेटर देन 90 माइनस थीटा माइनस 18। इन दोनों को अगर क्लब कर दूं तो ऐसे हो जाएगा 90 माइनस थीटा माइनस 18। और अगर थीटा को इधर ले आऊं तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बन जाएगा। थीटा क्या था, लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन प्लस 18 डिग्री जब भी 90 के बराबर होगा, लैटिट्यूड डेक्लिनेशन सेम होगा, तब ये ऐसा होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इस वाले को ग्रेटर देन की परिभाषा से लेंगे तो सारी हो गई, तो सर्कमपोलर भी इंक्लूड होगी, तो हमारे को सर्कमपोलर नहीं बनानी है। तो इसमें एक तीसरी कंडीशन भी है कि बॉडी सर्कमपोलर नहीं हो, यानी कि लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन लेस देन 90। तो इसमें ये अगर जहां तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ये तीन कंडीशन जब भी सन के केस के लिए ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हमारी बॉडी ट्वाइलाइट ऑनलाइट की का अनुभव कराएगी उस ऑब्जर्वर को। अनुभव कराएगी का मतलब ये हो गया वो सारे ऑब्जर्वर ये वाला फिनोमिना जो नेचर में हो रहा है वो देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे ट्वाइलाइट ऑनलाइट का। हम हिंदुस्तान में रह के कम देख पाते हैं, नहीं देख पाते, ये वाली बात है। ये फिनोमिना जो होगा ये वो 48.5 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर ही होगा हमेशा। नॉट 48 बेटा, 48 कहां से आया, 48 कहां पे आया बेटा, अभी समझाता हूं। एक बार तो लिख ले फिर मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ तब बात क्लियर होगी। अभी तुम लिख ले। ओके सर। अरे ये थर्ड एक बाई समझा दो फिर। क्या समझाओ, थर्ड पॉइंट? हाँ थर्ड पॉइंट समझा दूंगा बेटा। ये देख, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कंडीशन फॉर ट्वाइलाइट ऑल नाइट। तो अगर हम इसके ऊपर की सारी बॉडीज की बात करेंगे तो सारी बॉडीज में सर्कमपोलर भी आ गई। हमने सर्कमपोलर तो नहीं बनाना है, हमारे को इस दायरे में बॉडी को रखना है, इस दायरे में। तो इस दायरे के लिए एक तो लिमिटिंग केस हो गया ये वाला, जहां पर डेक्लिनेशन इज इक्वल टू दिस,
और एक लिमिटिंग केस की वो बॉडी सर्कम्पोलर ना बने। तो बॉडी सर्कम्पोलर कब बनती है, जब लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होता है। बट हमारे को वो नहीं बनानी, तो उसका अपोजिट लैटिट्यूड डेक्लिनेशन लेस देन 90। तो इस कंडीशन को हमने रूल आउट कर दिया उसके ऊपर वाली को, ये फंडा है। कर लिया सर नोट, सबका हो गया। सबका हो गया सर, एवरीबॉडी हैज डन। अरे भाई कुछ तो बोल दिया करो। यस सर। यस सर। पता नहीं कौन सा दही जमा के बैठे रहते हो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब एक क्वेश्चन लिखो, जो बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा था उसको क्लैरिफाई कर रहा हूं और इसका सार बता रहा हूं। सार का मतलब क्या हुआ, लेट्स से क्वेश्चन लिखो, इफ द डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑन 10th जून 1992 full stop, which all observers on the earth will be able to see twilight all night phenomena. सर 52 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ तक के। बेटा इतनी जल्दी क्या है आंसर बताने की, एक बारी फॉर्मूला में डाल तो दे, अच्छे से चेक कर ले। तेरा आंसर गलत नहीं है ये मैं कह सकता हूं, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? हाँ जी सर, बाकी लोग तो कुछ बोलेंगे कि नहीं? हाँ सर आ गया, आ गया। क्या आ गया भाई?
सर 52 से 70 नॉर्थ। मतलब क्या हुआ इस बात का? जो हमारा आंसर आया उससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? सर 52 डिग्री से सर जो 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में सर जो भी लोग हैं उनको सर रात नहीं होगी सर, टू लाइट ही होगी बस। हाँ बेसिकली ये जो फिनोमिना है जिसकी हमने बात करी है उस दिन, यानी कि क्या डेट दी थी मैंने, 10 जून। यस सर 10 जून 1992। हाँ 10 जून वाले दिन जब 20 डिग्री नॉर्थ का डेक्लिनेशन था तो ये वाले ऑब्जर्वर यानी कि 52 से ऊपर और 70 से नीचे वाले जो ऑब्जर्वर्स हैं वो सारे ये फिनोमिना देख पाएंगे और ट्वाइलाइट ऑन लाइट की कंडीशन उन पे चिरतार्थ होगी। ये इस पूरे तात्पर्य का मतलब था। इस वाले डेरिवेशन में मैंने ऑब्जर्वर को कॉन्स्टेंट रखा और डेक्लिनेशंस को चेंज किया, बट लॉजिकली क्या होगा? नहीं, लॉजिकली भी यही होगा, लैटिट्यूड सेम रहेगा, डेक्लिनेशन चेंज होती रहेगी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली में बैठे हुए हैं तो दिल्ली में बैठे हुए हैं पूरे साल भर, 10 साल 20 साल फॉर एग्जांपल, जहाज की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, जहाज तो उस दिन कहीं पर होगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पूरी डेरिवेशन है ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन फॉर ट्वाइलाइट ऑन लाइट, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट बस। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। किसी को कोई और डाउट? अगर किसी को कोई और डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन और लिखो। ऑन समर सोल्स्टिस डे विच ऑल ऑब्जर्वर्स विल बी एबल टू सी continuous day, number one, continuous night, number two, twilight all night, number क्या था एक भाई क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दोगे? हाँ जी सर जरूर कर देंगे। मैं ये कह रहा था क्वेश्चन में, ऑन द समर सोल्स्टिस डे व्हिच ऑल ऑब्जर्वर्स विल बी एबल टू सी, नंबर वन कंटिन्यूअस डे, नंबर टू कंटिन्यूअस नाइट, नंबर थ्री टेन ट्वाइलाइट ऑल नाइट। अरे मिंटू शाह कहाँ चला गया भाई? मिंटू शाह ये देखो, मिंटू लगा के भाग गया, गोली हो गया ये। नो सर यहीं पे हूँ सर। तो जवाब क्यों दे रहा सर? नेटवर्क थोड़ा सा वीक चल रहा है सर, पता नहीं सर अभी एक घंटे से सर चला। देखो जब हम फिजिकल क्लास में होते थे ना तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड एक्सक्यूज था कि सर रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। अब क्योंकि घर बैठे हुए हैं तो स्टैंडर्ड लॉजिक क्या है सर? नेटवर्क प्रॉब्लम है। नो सर अभी मोबाइल नेटवर्क से यूज कर रहा था, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन नहीं आ रहा था सर, पता नहीं क्यों सर कुछ कहीं ठीक कर रहा था। ठीक है चलो। सर
हाँ जी सर, ट्वाइलाइट ऑल नाइट 48.5 से लेके 66.5 नॉर्थ तक। हाँ वैल्यू में डालो बस सर, आंसर बता रहा हूँ। हाँ हो सकता है वो सही आंसर हो। 90 माइनस 18, 72 माइनस 23, 12, 60, 49 आएगा ना सर? डेक्लिनेशन 23 एंड हाफ। 48.5 सर। 48.5 हाँ। 48.5 66.5 सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। कंटिन्यूअस डे होगा वो सर, और 48 66.5 से ऊपर होगा सर कंटिन्यूअस डे। 66.5 क्या नॉर्थ साउथ सर? नॉर्थ नॉर्थ सर। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा 66.5 साउथ। 66.5 साउथ बिल्कुल सही है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। बट दोनों में फर्क है, क्या फर्क है? उसमें इक्वल टू आएगा, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा। किसी ने बताया नहीं ये बात मेरे को, किसी ने नहीं बोली। हाँ सर, तो हमने अबव बिलो ही बोला था ना, इक्वल टू तो बोला ही नहीं सर। हाँ तो उसमें इक्वल टू आएगा ना बेटा, कंटिन्यूअस डे में तो आएगा इक्वल टू। हाँ सर आएगा। यही बता रहा हूँ मैं, गड़बड़ है वो, मेरी बात समझ में छोटी है। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई डाउट? नो सर। अगर कोई डाउट नहीं है तो मेरा यहाँ पर मिड टर्म का सिलेबस खत्म हो गया है। अब मेरा आफ्टर मिड टर्म का सिलेबस शुरू होगा अगली क्लास से, जो है टाइम चैप्टर। एंड टाइम चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर ऑफ सेलेस्टियल नेविगेशन। सर ये आंसर तो आ गए थे, पर वो क्या बोल रहे थे इक्वल टू वाला, वो समझ नहीं आया। इक्वल टू बेटा मैं ये कह रहा था, ये देख इसमें ये इक्वल टू वाली वैल्यू भी तो है। यस सर। तो जहां पर इक्वल टू की वैल्यू वहां पे इक्वल टू होगा आंसर में, जो वैल्यू आएगी जो तुम्हारी निकल के आएगी 48.5 इक्वल टू 48.5 66.5 तक होगा ना सर वो। हां 665 से नीचे होगा, तक नहीं होगा, मतलब 66.5 इंक्लूड नहीं होगा उसमें। हां करेक्ट, बस यही बात। वो कंटिन्यू डे में 6.5। हाँ वो कंटिन्यू डे में इंक्लूड होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। कंटिन्यूअस डे लैटिट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 48.5 नॉट। नहीं बेटा 66 आएगा ना कंटिन्यूअस डे में, तो 48 कैसे आएगा? सर वो ट्वाइलाइट की बात कर रहे हैं। ट्वाइलाइट की बात कर रहे हैं? हाँ ट्वाइलाइट में सही, मुझे सुनाई दिया कंटिन्यूअस डे। चलो कोई बात नहीं सर। हाँ बेटा सर एक बार बता दीजिए इसका आंसर, फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे सर ये ऑन और अबव और ये सब क्या? इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर वन कंटिन्यूअस डे सिक्स लैटिट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे लिखेंगे। कंटिन्यूअस नाइट लैटिट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 66.5 डिग्री साउथ, ऐसे लिखेंगे। नंबर थ्री इक्वल टू आएगा इसमें नाइट में भी? इक्वल टू नहीं आएगा सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, थैंक यू। यस थैंक। और ट्वाइलाइट ऑल नाइट इसको लिखेंगे ऐसे, लैटिट्यूड 48.5 66.5
नॉर्थ नॉर्थ ऐसे लिखेंगे इसको। अब ठीक है भाई, बात समझ में आई? यस सर, क्लियर है। चलो मैं ये कह रहा था, यहाँ मेरा सिलेबस खत्म होता है सेकंड मेड मिड टर्म का। मिड टर्म के बाद सिर्फ एक चैप्टर बाकी है, वो है टाइम, जो मैं अगली क्लास ला हूँ, एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ माय सिलेबस। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। सर हाँ जी सर। हाँ, तो आई एम अबाउट टू फिनिश माय सिलेबस वेरी सून। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। चलो थैंक यू वेरी मच, क्लास खत्म करो। ये सही ट्वाइलाइट सर, ट्वाइलाइट सर, बस इतने से क्वेश्चन ही आएंगे। बट ट्वाइलाइट में ना सिर्फ तीन चार टॉपिक्स ही हैं जो मैंने सारे करा दिए हैं तुम्हारे को, जितना कराया इसके बाहर गारंटीड नहीं आएगा कुछ। सर 99% या फिर 100%? नहीं 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 नहीं, 100% की गारंटी कभी भी नहीं देता मैं, कभी भी नहीं। सिर्फ 99%, 100% नहीं। तो 99 कौन सा कम है यार, गोल की प्योरिटी भी 99 नहीं होती है यार, 100 तो उसकी भी नहीं होती। डिटॉल की भी सर। यस सर, बहुत। फिर बच्चे की जान लोगे क्या? चलो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर, बाय। गुड नाइट सर, बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, ओके बाय। थैंक यू सर।